नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो पूरे देश सहित पूरे विश्व के लिए ये खबर जरूरी है। वो जरूरी क्यों है पूरे देश सहित पूरे विश्व के लिए? जी हाँ साथियों, आपको बता दूं, जो मेरे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, तथागत लाइव चैनल पर ब्लॉगिंग करते हैं अंजुल बमरौलिया, और बहुत ही सटीक तरीके से उसमें जानकारी देते हैं, भोजन शास्त्र की जानकारी देते हैं, भोजन महापुरुषों की जानकारी देते हैं। आज उनके घर पर बिना नंबर की गाड़ी से कुछ लोग बिना कुछ बताए उनके घर में एंट्री मार दी। जब उनसे पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आयो, तो उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का बताया। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ अपना। तुम तो मेरे घर आए हो ना, नाम बताओ। निकलो यहाँ से। ये देखो बिना नंबर की गाड़ी लेके आए। और अब ये लोग क्राइम ब्रांच के थे या कोई अपराध करने की नियत से अंजुल बमरौलिया के घर में घुसे, ये भी जांच का विषय है। इस विषय पर मैंने खुद अंजुल बमरौलिया से फोन पर बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आप ये सुनिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। क्या हो गया? मैंने देखा भी अचानक, तो मैं पहले सोचा मैंने कहीं अप्रैल फुल तो नहीं मना रहे। नहीं, वो कुछ सुबह अनऑफिशियली अच्छा कुछ क्राइम ब्रांच वाले घुसे आए, लगा रहे थे। अच्छा, क्या रट्टा हुआ, तो वो अभी जा रहे हैं पुलिस थाने रिपोर्ट डालने उनकी। अभी तो उन्होंने मतलब अपनी जानकारी तो नहीं दी, आपने पूछा उस वीडियो में बताया जा रहा है। हाँ, उनने कुछ बताया नहीं, हमने बोला आईडी प्रूफ दिखाओ अपना, क्योंकि जब वो दिखाओ। गलती से आते हैं तो बताते भी हैं, चलो गलती से आ गए कि यार कोई कंफ्यूज हो गया। नहीं, वो तो जानबूझ के आए थे, जानबूझ कर आए थे। क्या लगता है मतलब इसमें क्या हो सकता है? अभी तो पता कर रहा हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ। चलो, मैं सो रहा था, मैं थाने ही जा रहा हूँ, फिर बस बताता हूँ। ठीक है भाई, सतर्क रहो। मैंने जानने की कोशिश की, और सब ठीक है? हाँ बढ़िया है अभी तो। तो सुना साथियों, देश में किस प्रकार का माहौल है, जो हक अधिकार की शोषितों की जो बात कर रहे हैं, चुन चुनकर उन पर निशाना साधा जा रहा है, चुन चुनकर ऐसे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी हम कह नहीं सकते ये कोई गुंडे या आपराधिक किस्म के कोई तत्व थे या नहीं, ये अभी कह पाना आसान नहीं है। अभी अंजुल बमरौलिया पुलिस थाने गए हैं, शाम तक क्या रिपोर्ट आती है हम आपको जरूर बताएंगे। और साथियों, आप जितने भी यूट्यूबर हैं, भोजन पत्रकारिता कर रहे हैं, आपसे भी मेरा एक निवेदन है कि आप बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें, और एक दूसरे का सुख दुख में साथ जरूर दें, क्योंकि इनका काम एक एक से सबको टारगेट करना है। साथियों, आपको क्या लगता है, इस प्रकार से बिना परिचय दिए हुए किसी के घर में जबरदस्ती घुसना, ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।